राम राम भाई, सारे भाइयों ने, सारे चाचे तो ने, अपना दूसरे व्लॉग में सारे का स्वागत है। ठीक है, आज थोड़े लेट हो गए भाई, 6 बज गया। तो भाई काम करना पड़ेगा, अभी तो खींच के लेना पड़ेगा काम, फुर्ती तो करना पड़ेगा। चलो मौसम तो बढ़िया हो रहा है भाई। भाई बरांडा में बैठ के ना कटोरी में चाय खा लेके ना चुस्की लेके पीने का मजा ही नहीं आ रहा। चाय पी लो आज भाई, ज्वार लेने चल लेंगे खेत में। ये ले लिए है अपने ज्वार, बंधन की रस्सी रस्सी बैग में चढ़ाई रखदा, सोचते स्टैंडर्ड तू हाई रखदा। जट्टी भी तो चन्ना केड़ा कट किसे तो, तू जे पटाके जट्टा पाई रखदा। हेलो भाई, पहुंच गया पा नहर पे। आता रास्ते में अपन ज्वार लेके आनी है, जाना था इस रास्ते पे, लेकिन पहले मैं अपने आगे लेके चलूंगा, आगे दिखाऊंगा अपने नहर का हेड। हेड का मतलब है वहां से दो नहरों का अलग अलग विभाजन होता है, एक बड़ी नहर से और उसमें से मतलब दो नहरें आगे बढ़ जाती हैं, एक मतलब जो ये है उमरा गांव की तरफ चली जाती है और एक मुजादपुर गांव की तरफ। ठीक है, तो हम पहुंच गए यहाँ पे। ये देखो, ये है अपनी नहर, ये है मुजादपुर की नहर। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं, ये उमरा गांव की तरफ जाती है। ठीक है, चिल्ड पानी है बिल्कुल गंगा के जैसे, और यहाँ पे इसका ये शटर है, ये बंद हो जाती है यहाँ से। ठीक है, और ये देखो, ये पीछे से आती है ऐसे, थोड़ा वहाँ से दिखाते हैं हम आपको। यहाँ देखो, अब जो ये है ना, मतलब आंधी तूफान का मौसम है जो, उसके कारण यहाँ पे नहर में बहुत सारा कचरा गिर जाता है ना, पेड़ों के पत्ते वगैरह डालियाँ वगैरह, तो उससे क्या होता है ये कचरा इतना सारा जमा हो जाता है और पानी के साथ इकट्ठा हो के आ जाता है आगे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे जेसीबी के साथ निकाला गया है, बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ से दिखाएंगे आपको जूम करके थोड़ा। ये देखो दोनों नहरें, ये होगी उमरा की मुजादपुर की और ये उमरा साइड जाने वाली नहर है। ठीक है, खेत के अंदर पहुंच गए हैं। ये देख लो अपनी कपास की खेती, फसल बाड़ी बढ़िया है, ज्वार। ठीक है, काफ़ी एरिया में ज्वार की फसल बो रखी है, एक भाई और आ रहा है ज्वार लेने खातर।
वीडियो तो पूरी देख लो, तुम तो मन लगता ठंड खातर भी कौन बुलाए।